नमस्कार दगड़ियों, शमने सेवसौनी गढ़वाली मातृभाषा आंदोलन में आपको एक बार फिर से स्वागत छी। और हम आज आया छे एक और उखाण लेके, और ये श्रृंखला चलाने का मुख्य उद्देश्य छे कि गढ़वाली मूल का लोग देश दुनिया में जागु छिन, और जो भी भाषा बुना तें बोला, पर वक्त ना वक्त जबर भी मौका मिल दो अपनी गढ़वाली भाषा भी जरूर बोला और अपना बच्चों तो भी सिखावा। तो दगड़ियों, हम आज जे वखाने बात करना छिन ते की पृष्ठभूमि पर पहली बात कला। दगड़ियों, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हुई छी जो बुना छिन कि माणा गाँव को छी बद्रीनाथा नज़दीक, जे में यह भोटिया बॉडी काकी अपना पाखला लवा में कुछ अपने विविध लाणी छी और सोची तो अपनो रोज दिखाना आजकल पीढ़ी पर, खासतौर अपने बच्चों ते जो अपना नौकरी चाकरिया चक्कर में अपने मेड़ बहू तो भूलिया और तो को देखभाल छिन ढंग पकाना। तो ये प्रयोग गढ़वाल बोलो सुंदर उखाण छी, और ते उखाण बन से पहले हम एक पृष्ठभूमि बतौना सुना आपसे कि कई गाँव में बल या द्विजनर न बोला पति पत्नी तो कई सालों तक लड़कन हुए और तो उनके देव 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 तुम मन्नत मांगी, पूजा पाठ करी के व्रत धरे एकादशी का है ना, सोमवार का अलग अलग व्रत धरे तुम जेल जमा बोले तो बुढ़ी ने तुम जो ची एक लड़का होएगी, लड़का से पढ़ाई लिखाई साहब और लड़का जो ची बड़े हुए थे नौकरी चाकरी भी लगी बल सुंदर, ते वाला लड़को भी हुए तो बुआरी भी आएगी नैत मित्र हो गया, पर जो बुआरी आई से जब तक व्यवहार ठीक नहीं छो, चाल चलन ठीक नहीं छो, तो तुम सासू दगड़ी कभी बनी नहीं, तो सासू दगड़ी से पहले जुदा होगी तब के बार बार झगड़ा रहो घुसियाट रहो तो उनकी करी गाँव में जिन मतलब यो दूसरी जगह से सुर हल्ला से झगड़ा होने रुए तो तब तो अलग मकान बनाए दूसरी जगह हूँ और से सुरों से अलग रहने बैठे। जब मकान बनी तो यह दिन तुम सत्यनारायण कथा धर लोड़ भी घर आई छो, सत्यनारायण कथा धर तो झगड़ा छो इनके बुआरी को लोड़ो तो अपने मेड़ बहू तो नहीं बोली, तो तसी रुपये पानी भी ना दियो, गन्ने भी ना, पेंशन पानी भी ना दियो, कुछ रुपये तनख्वाह भी ना दियो, मनी ऑर्डर भी ना कुछ ना कि तुम उत्तर पापड़े बिस्तर छिन कि मेड़ बहुत पिछन। यो दिन तो सत्यनारायण कथा धरी बन सिर गाँव बोले बड़ी रेल पेल भाई खड़कू दौड़ को बनी छी, तो सामक जी पढ़ने जी आई बल पूजा करना होते तो उन बोले भाई यो तो सभी दिखेना पर काका का नहीं दिखेना इसी कौशन आ जाओ, तो उन बोल बोले तो लड़का तो पूछ बोल बोल भाई कौशन भाई तीन माँ बाप बोल बोले नहीं है, बोलो किले नहीं है बोले तुम तो पूरा कूड़ा छिन से बोलो यो नाने मान बोल बोल तो नाने माँ तो पूछ भाई तुम दादा दादा तो बोली नहीं बोली, मतलब मेरे माँ बाप तो बोली नहीं बोली, बोलो ना 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 क्यों बनछो तो सी नहीं बोले मुझे छोड़ रहा हूँ दिया खाली हल्ला रोड़ी बने आज तब। तो पंडित जी पर जरा गुस्सा आई कि बोले यार ये तो सत्यनारायण कथा ठहरे तुम्हारी और तुम तो अपने मेड़ बाबू बनो तो सब तो नहीं हुए न तो तुम्हारी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है के दिन नहीं खौरी खाए तो तुम तो लिखा पवाण में और आज तुम तो मैं छिन बेजत करना तब तो कि चनी कहावत छोटी बोलो निकुर दो चुचा सत्यनारायण कथा, तो लड़का तो पंडित जी बना छिन ये गढ़वाली कहावत में निकुर्द चुचा सत्यनारायण कथा अपना बुई बुबत कुर्दु लता, निकुर्द चुचा सत्यनारायण कथा अपना बुई बबूते कुर्दु लता, अर्थात हे बालक कि तू तो अपने मेड़ बबूते ये सत्यनारायण कथा नहीं कर दो, इस सत्यनारायण की कथा को नहीं कर तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने माँ बाप जो तेरे से फटे हाल कपड़ों में हैं, जो इतने बुरी स्थिति में जी रहे हैं, खाने का जिनका ढंग नहीं है, जिनकी दवाई नहीं है, दारू नहीं है, समय पर उनकी देखभाल नहीं है, उनके लिए लत्ता कपड़ा करता, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करता, अगर तो अपने माँ बाप की सेवा करता तो इस सत्यनारायण की कथा से ज़्यादा महत्व उसका मिलता है। तो यू उखाणते स्थिति में पड़े कि माँ बाप की सेवा करना कोई भी जो धार्मिक कार्य से ज़्यादा पुण्य मिल दो। महाभारत में भी यह सूक्ति चाहिए कि माता गुरु तरह भूमि, कि ये संसार में अगर सबसे कोई भारी चीज छो से छो भूमि और वैसे भी भारी चीज कोई माता चीज, तो ये मजबूरी वही सकती परिस्थिति वही सकती कि कोई नौकरी मान भेड़ छिन खासतौर पर पहाड़ में मेड़ बाप भेड़ रहना होता यानी बच्चे भी नौकरी पर छिन अपने काम धंधा भेड़ छिन नहीं सकता, लेकिन तो उनसे मिलन और चैन बराबर तो देखभाल कर चैन तो दवे दारू व्यवस्था कर चैन लत्ता कपड़े की व्यवस्था कर चैन और कुछ नहीं एक दिन हर दूसरा तीसरे दिन या हर रोज या फोन के लिए मेड़ बहू थे माँ पिताई थे तो उन पूछ ली माँ बाप जी में खुश हो जान कि हमारे नानू फोन छें लड़को फोन छें लड़की फोन छें तो कुछ नहीं छोड़ो कुछ तो पेंशन मिली हुई कुछ सरकारी राशन मिलनी कुछ नहीं तो वृद्धा पेंशन मिलनी हुई तो, लेकिन ये उखाण से यू पता लगी कि जो धार्मिक आयोजन सत्यनारायण कथा तो सबसे बड़ी कथा मने, लेकिन अगर मेड़ बाबू जो तिरस्कार से सत्यनारायण कथा भी कोई फायदा नहीं, मना भागवत करना भी कोई फायदा नहीं, जो भी भागवत हो जिंदे में हो तो सेवा करना
जिंदे मकन। अंग्रेजी में भी ये मिलत जुलत कहावत चे कि सर्विंग योर पेरेंट्स इज बेटर देन परफॉर्मिंग मैनी रिलीजियस रिचुअल्स। मीनिंग देयर बाय इज टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स इज नॉट बैड बट दे शुड नॉट बी डन और परफॉर्म एट द कॉस्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स केयरलेसनेस ऑफ योर पेरेंट्स। यू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू फर्स्ट सर्व योर पेरेंट्स एंड देन यू शुड परफॉर्म अदर रिलीजियस रिचुअल्स ओनली देन दे विल बी बेनिफिटेड फॉर यू। धन्यवाद दगड़ियों, फिर मिलेगा एक और ओखान लेके। धन्यवाद।